के धार में बस यात्री से $20,000 उड़ाने वाली एमपी के अपराधियों की अंतर्राज्यीय टोली को मोमिनपुरा से पकड़ा गया है। एमपी पुलिस की सूचना पर तहसील पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जुबेर खान जमीर खान उम्र 27, सरफराज गफ्फर खान उम्र 35, सादिक सिराज खान उम्र 36, धार तथा अनवर नूर खान उम्र 31 देवास शामिल है। आरोपियों ने 5 मार्च को टिमकी में वसंत विश्वकर्मा के घर से ₹63,000 चुराए थे। उन्होंने कुछ समय पहले एमपी के धार स्थित किशनगंज में मुंबई के एक बस यात्री के $20,000 चुराए थे। यह डॉलर जुबेर ने अपने एक रिश्तेदार को छुपाने के लिए दिए थे। यह रिश्तेदार एमपी पुलिस के हाथ लग गया। उसने जुबेर और उसके साथियों की जानकारी दी, जिसके बाद एमपी पुलिस हरकत में आई। उसने तहसील पुलिस को इसकी सूचना दी। तहसील पुलिस ने तत्काल दबिश देकर आरोपियों को दबोच लिया। उनसे 8,00,000 रुपए कीमत की कार बरामद की गई है। यह कार्रवाई PI जयेश भंडारकर तथा उनके दल ने की। पुलिस थाना तहसील को एक गोपनीय माहिती मिली कि कुछ बैग लिफ्टिंग करने वाली, घरखोड़ी करने वाली एमपी की गैंग शहर में घूम रही है। इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हुए हमने हमारे अधीनस्थ API बाबुल, PSI वाघ और स्टाफ को निर्देशित किया। उस मुताबिक संशयस्पद अर्टिका एक्सेल गाड़ी में हमको 4 लड़के मिले, जिसमें सरफराज खान, वल्द गफ्फार खान उम्र 35 साल, ग्राम संग्राम, जिला बालाघाट, थाना बालाघाट, सादिक खान वल्द रियाज खान उम्र 37, ग्राम धर्मपुरी, जिला धर्मपुरी, मध्य प्रदेश, जुबेर खान वल्द जमील खान उम्र 27 साल, ग्राम भीमपुरी मलबार, जिला मलबार, और अनवर खान वल्द नूर मोहम्मद खान उम्र 21, ग्राम देवास, जिला देवास, MP। ऐसे 4 संशयास्पद इसम हमको अर्टिका, हमारे पत्रक को अर्टिका का एक्सेल गाड़ी में मिले। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।